देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और इसके तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों से 10 गुना चालान लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों से 23,000 रुपयों से लेकर 59,000 रुपयों तक का चालान किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन लागू होने का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। लोग भारी भरकम चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों के कागजों को दुरुस्त कराने में लगे हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। एक एक प्रदूषण केंद्र में 200 से 300 प्रमाण पत्रों को बनाया जा रहा है। अभी इस एरिया में सिर्फ एक ही पॉल्यूशन सेंटर है ना, ये बढ़ाने चाहिए ना, इनको नंबर बढ़ाना चाहिए उसका। क्या लगता है जी, संशोधन जो एक्ट बिल एक्ट किया है, संशोधन हुआ है, किस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं कि अच्छा बिल एक तरीके से माना जाए? ठीक है, होना भी चाहिए, पर सिस्टमेटिक हो ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो ज्यादा। हमारा 9 से 7 बजे का टाइम है। कहाँ कुछ सीमा भी निर्धारित की गई कि अलग अलग, जैसे कि आपका यहाँ पे बना हुआ, कुछ और भी जगह है ऐसे बनाने के लिए कि और भी जगह देहरादून में बनाई जा रही है? हाँ जी, सब जगह बनाए जा रहे हैं। हमारे खुद के 4 सेंटर हैं। हमारे खुद के 4 सेंटर कहाँ कहाँ, किस जगह सेंटर है? केनाल रोड, मोकमपुर, ISBT। एक प्रदूषण केंद्र में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई पड़े। अभी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बावजूद इसके लोगों में चालान का डर बना हुआ है। 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन लागू हो चुका है, तो भाई इसकी झलक उत्तराखंड में भी साफ देखने को मिल रही है। भारी भरकम से चालान से बचने के लिए लोग लगातार घर से निकलकर प्रदूषण जांच केंद्र पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, लगभग एक केंद्र में 200 से 300 लगातार प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चालान का डर लोगों में व्याप्त है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV, देहरादून।